महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सोमवार को मतदान हो गया। वोटिंग के बाद लगभग सभी एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की बम्पर वापसी का अनुमान जताया है। सभी एग्जिट पोल का आकलन है कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सत्ता लौट सकती है। जहां सत्ताधारी बीजेपी ने कहा कि एग्जिट पोल के अनुमान भी उनकी उम्मीद के मुताबिक है, वहीं विपक्षी दल ने इन नंबरों को असलियत से अलग बताया। महाराष्ट्र में 66 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान खत्म होते ही लगभग सभी न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसी ने एग्जिट पोल का अनुमान दिखाना शुरू कर दिया। सभी एग्जिट पोल की औसत की बात करें तो बीजेपी गठबंधन 213 सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 61 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में भी 14 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी महाराष्ट्र के प्रवक्ता माधव भंडारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल का अनुमान उनकी उम्मीद के मुताबिक है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सर्वे के लिए सैंपल कितने इकट्ठे किए गए, कभी कभी एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं और कभी कभी नहीं भी, इसीलिए सही तस्वीर के लिए 24 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। बता दें कि 2014 में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 63 सीटें। चुनाव के बाद दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी।